चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इनिशियल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स है, दूसरा क्या है, लॉग एक्स है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब उसमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, जो ये पांच टाइप के फंक्शंस होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर के हिसाब से हम लोग फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। खैर, एक्स आपका जो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और लॉग एक्स लॉगरिथम फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन सिक्वेंस ऑर्डर में बाद में आ रहा है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर आ रहा है, तो इसे हम सेकेंड फंक्शन कहेंगे एल्जेब्रिक को, और जो लॉगरिथम पहले आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला आप ऑपरेट कर दीजिए, सिंपल है। तो दैट इज लॉग एक्स फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब लॉग ऑफ एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स मतलब आपका कितना हो गया, एक्स डी एक्स, और फिर ये फाइनल डी एक्स। ये फाइनल डी एक्स इस इंटीग्रल के लिए, जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ जाएंगी तो वो फिर एक बार इंटीग्रेट होगा, उसके लिए डी एक्स है। तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, और इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक्स बाई टू बचा, तो बाकी हटा देते हैं, और जो वन बाई टू दिख रहा है उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। सिर्फ एक इंटीग्रल बचा आपके पास, एक्स डी एक्स, ये क्या लिख लोगे आप, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, ये टू टू जा फोर हो जाएगा, तो फाइनली एक हम लोग यहाँ फोर लिख देते हैं, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।